अभी मैं सुबह निकला हूँ क्लास के लिए। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की धूप भी निकली है, तो बर्फ भी हट रहे हैं। तो अभी अपने कैब बुलवाई है क्लास जाने के लिए, क्योंकि कैब सस्ती पड़ रही थी, जितने में बस से जाते चार लोग उतने में कैब ही आ गए। अभी अपने मैं रूममेट का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तैयारी हो रहा है, कैब तो वेटिंग में है, कुछ फाइन लगेगा। आ गया फाइनली, चलते हैं जल्दी से, बैठता हूँ कैब में। तो अपन पहुँच गए हैं अपने हॉस्पिटल, देख रहे हो अभी भी इतनी पूरी बर्फ़ जमी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। तो ये रहा हमारा हॉस्पिटल, दिख रहा होगा, ये काफ़ी देख के चलना पड़ रहा है, अभी बर्फ़ गल रही है, टाइम लगेगा अभी तो, काफ़ी टाइम है। देख रहे हो बच्चे आ रहे हैं, ये इन्फेक्शियस हॉस्पिटल है, इसलिए पीडियाट्रिक्स मेनली पीडियाट्रिक्स के बच्चे दिखते हैं। काफ़ी बड़ा ये भी हॉस्पिटल है, ये रहा। इसमें हमने पिछले सेमेस्टर में भी एक क्लास किया है, और ये मेरे फ्रेंड्स अभी पीछे से आ रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि जिस दिन फर्स्ट डे क्लास होती है हमारी, उस दिन खुद ढूंढना पड़ता है अपना हॉस्पिटल, डॉक्टर तो बस अपना हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है। अब ढूंढ रहा हूँ कौन सी बिल्डिंग है, क्योंकि एक ही बिल्डिंग के अंदर इतने डिपार्टमेंट में है, तो पता ही नहीं चलता है। तो अपन, ये रहा हमारा पीडियाट्रिक्स का, चिल्ड्रंस का इन्फेक्शियस हॉस्पिटल। ये क्या, कुछ बच्चे मेरे क्लास के तो इतने पहले, एक घंटे पहले ही निकल जाते हैं, पहुँच भी गए, अपन को लगता भी है टाइम सही करते हैं, पर टीचर गंदा रहा। तो देख रहे हो क्या मस्त है सूरज निकला है, अब ऐसे ही निकलते रहे तो सब बर्फ 15 दिन के अंदर अब ख़त्म हो जाएगी, फिर गर्मी का अपन मज़ा उठाएंगे। लगभग ग्रुप के मेरे सारे लोग आ गए हैं, बस दो चार लोग ही बचे हैं, बस टीचर कहीं बैठा है। देखो छोटे से एक बच्चे कितनी प्यारी दिख रही है, घूम रहे हैं। तो देख लो बाहर का नज़ारा, पूरा हॉस्पिटल पूरा बर्फ से जमा पड़ा है। निकले थे कुछ कैफेटेरिया दिखने, लेकिन इन्फेक्शन हॉस्पिटल में तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अरे ब्रेक टाइम घूम रहे हैं, देख लो हमारे क्लास के बाहर का नज़ारा पूरी बर्फ से भरी है, और वो आपको दिख रहा है वो धुआं फेंकता हुआ, वो मेनली बिल्डिंग को हीट करने के लिए होता है। हर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको दिख जाएंगे, ये हमारे क्लासरूम के बाहर का एरिया। अभी सब देख रहे हो बेड्स, बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ, जैसे हम ना उनके हॉस्पिटल का बिल्डिंग मैनुफेक्चर अच्छे हैं, मतलब पढ़ाते अच्छा तो सिखाते भी हॉस्पिटल से। ये रहा हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शियस का, ये देख रहे हो काफ़ी बड़ी है, ये कोविड के टाइम बनी थी, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर। ये देख रहे हो सामने ये जंगल है पूरा, और ये रहा ब्लड बैंक, ये गाड़ी से जब जरूरत बड़े ब्लड को ले लो। काफ़ी बड़ा आइडिया यहाँ, इसके जितने हॉस्पिटल हैं ना किसान ट्रीटमेंट कर, सब एक से काफ़ी बड़े बड़े, आपको ये दिखेगा कितना बड़ा ये कंपाउंड, इसका काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा तो हम लोग का हॉस्टल है तो उसमें मज़ा आ जाए। नंबर भी है हर का अपना, एक सेपरेट रूम है पेशेंट के लिए, मतलब काफ़ी इन्फेक्शियस है ना तो काफ़ी सेफ रखते हैं, कि आप एक गेट से घुसो और पूरा उसी से बाहर निकल जाओ, कोई किसी के संपर्क में आने की जरूरत ही नहीं है। जा रहा हूँ सिटी मोबाइल लेने, यहाँ देख रहे हो बीच रास्तों बर्फ के रास्तों को चिरते हुए जाना पड़ रहा है। ये बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी है, काफ़ी सुंदर है, हमारे हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही है। अब देखो वो रहा सिटी मोबाइल लगा हुआ, ये देखो कितना 2 फीट का गड्ढा है, कुत्ता पड़ेगा, और पूरी बर्फ गल रही है, पानी हो रही है हर जगह, सारी गाड़ियाँ लगी हैं। सिटी मोबाइल लेते हैं अपन, अपन चार लोग हैं, क्या होता है ना जितने ज़्यादा लोग हो, चार लोग होते हैं तो सस्ता पड़ जाता है, खुद से चला के चले जाओ, तो 5 लोग जा सकते हैं, चलाएगा भी। तो ये रही, बस इंडिया से लाइसेंस लेके आओ। ये अब से कभी हीरो बन के जैकेट का चैन खोल के चल रहा है ठंड में, अब तो +2 डिग्री है, +2 हाँ, देख रहे हो ये सोसाइटी ही है,
अभी इसमें सोसाइटी में क्या कि बर्फ़ ज़्यादा होती है इसके अंदर, यहाँ उतना कोई साफ़ होता है, मेन रोड नहीं होता है तो साफ़ करने वाले लोग भी नहीं होते। ये रही हमारी कैब और इसमें अपना बैग रखते हैं, पहले अपना कॉलेज का बैग सब अपन की में ही डालते हैं, मैं भी डाल नहीं देता हूँ मेरा, बैठता हूँ। और क्या है ना कि पहले इसको लॉगिन करना पड़ता है, ये देखो कितनी बड़ी सोसाइटी है। अभी देखने को डैमेज वैमेज तो नहीं है ना, चेक करना पड़ता है चढ़ने से पहले कि बाद में प्रॉब्लम ना करें लोग। अभी मैं आगे बैठ रहा, आज ओमकार भी आगे बैठ रहा है इधर, गल चकना नहीं हसदा पहल ना करा मैं ना ही राजी लड़के कर बस कहन नहीं नाम च फड़के अख जे कोई रखू मेरी जान दे उते अख दे। तो हमने अपने कार को यहाँ पर पार्क कर दिया है हॉस्टल के जस्ट बाहर ही, तो बस अपन जा रहे हैं बर्फ़ जा रहे हैं। मेरे को पनीर लेना है, अभी देखो स्प्रिंग सीजन आ गया, आंटी सब सुंदर सुंदर फूल बिक रहे हैं इधर, ये मार्केट भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अब जिस से गर्मी आ रही है ना उस वैसे सुंदरता यहाँ बढ़ती जा रही है। हाँ पनीर ले लिया है और पनीर लेकर अपन चल रहे हैं। देखो लोकल कपड़े भी इधर मिल जाते हैं सर यहाँ पे। टमाटर भी लेना था, देख लिया कौन जाएगा मैग्नेट, उसमें भी काफ़ी सुंदर दिखती है रात में ना काफ़ी। देखिए यहाँ मद की दुकान है और इधर कुकीज़